नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के मुख्य सचिव ने सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को पत्र लिखकर दी चेतावनी। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई। पीएमसीएच के नए भवन में टीबी चेस्ट और गेस्टो ओपीडी की हुई शुरुआत। बिहार की विभूतियों को राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान से किया सम्मानित। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की गलती के बारे में दी जानकारी। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के मुख्य सचिव ने सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों को पत्र लिखकर दी चेतावनी। बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मल्होत्रा ने सरकारी दफ्तर के ईसीएस को पत्र लिखा है और इसमें इन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि सरकार के संज्ञान में ये बात सामने आई है कि वरीय अधिकारी समय पर अपने दफ्तर नहीं पहुंच रहे और इस कारण दूसरे अधिकारी और कर्मचारी भी समय पर दफ्तर नहीं आ रहे हैं और इसका सीधा असर सरकारी कामकाज पर पड़ रहा है और साथ ही विभाग के कामकाज के निष्पादन और उच्च स्तरीय आदेशों के अनुपालन में देरी की आशंका इससे बनी रहती है। मुख्य सचिव ने सभी श्रेणी के अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि वो हर हाल में अपने समय के अनुसार 9:30 बजे अपने विभाग में उपस्थित हो जाए। पीएमसीएच के नए भवन में टीबी चेस्ट और गेस्टो ओपीडी की हुई शुरुआत। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच के नए भवन में टीबी चेस्ट और गेस्टो ओपीडी की शुरुआत की गई है। इमरजेंसी के बगल में नए भवन का निर्माण किया गया है और उसमें टीबी चेस्ट और गेस्ट्रो इंडोलॉजी विभाग को शिफ्ट कर दिया गया है। पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर आईएस ठाकुर ने विधिवत रूप से इसकी शुरुआत की है। आपको बता दें कि अब चेस्ट और टीबी रोग विभाग का नाम बदलकर श्वसन रोग विभाग रख दिया गया है और यहां करीब 50 बीमारियों का इलाज किया जाएगा। वहीं नए भवन में ओपीडी की संख्या बढ़कर 5 हो चुकी है। स्कूली बच्चे चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता को वोट डालने के लिए करेंगे प्रेरित। बिहार में मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से कई तरह के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं और उसके तहत अब नई पहल की भी शुरुआत की जा रही है। स्कूली बच्चे चिट्ठी लिखकर अपने माता पिता को वोट डालने के लिए प्रेरित करेंगे। इस संबंध में जिलाधिकारी सह निर्वाचन अधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने निजी स्कूलों के प्राचार्यों और निदेशकों के साथ पटना में बैठक की। छात्र और छात्राओं के जरिए अब मतदाता से संपर्क किया जाएगा। बच्चे मतदान पर आधारित प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। लाखों मतदाताओं से संपर्क के लिए ये नई पहल की गई है। के पाठक के खिलाफ एबीवीपी ने कैबिनेट सचिव को भेजा ज्ञापन। के पाठक के खिलाफ एबीवीपी ने कैबिनेट सचिव को ज्ञापन भेजा है। इसमें इन्होंने विश्वविद्यालय को अकाउंट को फ्रिज करने का जिक्र किया है। साथ ही विश्वविद्यालय में अपर मुख्य सचिव के गैर जरूरी हस्तक्षेप की बातें की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस मामले में भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को ज्ञापन भेजकर कार्रवाई की मांग की है। इस ज्ञापन के माध्यम से कहा गया है कि के पाठक के द्वारा विश्वविद्यालय के निर्णय में गैर जरूरी हस्तक्षेप किया जा रहा है। इस कारण प्रशासनिक और अकादमिक संकट उत्पन्न हो रहा है। गर्मी को लेकर अस्पतालों में दवाइयों का स्टॉक। बिहार में गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। अप्रैल के महीने में ही तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। कई लोग लू की चपेट में आ रहे हैं। अस्पताल में डिहाइड्रेशन, पेट दर्द, उल्टी आना, फूड पॉइजनिंग जैसी शिकायतों के साथ मरीज पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य केंद्रों पर हीट वेव से संबंधित दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। अस्पतालों में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सभी जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। सभी छोटे बड़े स्वास्थ्य केंद्रों का डेटा लिया जा रहा है। लोगों से खाली पेट घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की जा रही है और इसके साथ ही धूप में बाहर निकलने के दौरान पानी का बोतल साथ में रखने की अपील की जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के राज्यपाल को दी जन्मदिन की बधाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है। इधर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भी राज्यपाल को बधाई देते हुए लिखा है कि राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी को जन्मदिन की बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी राज्यपाल को उनके जन्मदिन के मौके पर बधाई दी है। बिहार के विभूतियों को राष्ट्रपति ने पद्म सम्मान से किया सम्मानित।
नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। इसमें बिहार के साथ विभूतियों को उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें डॉक्टर सीपी ठाकुर, स्वर्गीय बिंदेश्वरी पाठक, पंडित राम कुमार मल्लिक, पत्रकार सुरेंद्र किशोर, अशोक कुमार विश्वास, मधुबनी की दंपति शांति और शिवम पासवान का नाम शामिल है। बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्यों के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है और चिकित्सा क्षेत्र में बेहतर कार्यों के लिए सीपी ठाकुर को सम्मानित किया गया है। कला क्षेत्र में गोदना कला को लेकर मधुबनी जिले के दंपति शांति देवी और शिवन पासवान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला, सुरेंद्र किशोर को पत्रकारिता और शास्त्रीय संगीत के लिए, वरिष्ठ कलाकार राम कुमार मल्लिक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। बिहार से दिल्ली और पुणे के लिए आज से स्पेशल ट्रेन का परिचालन। गर्मी की छुट्टी और भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन के परिचालन की घोषणा की है। पटना से नई दिल्ली और दानापुर से पुणे समेत अलग अलग शहरों के लिए आज से स्पेशल ट्रेन चलाया जा रहा है। इससे यात्रियों को सफर में आसानी होगी। पटना नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल आज पटना से रात के 7:30 बजे खुलेगी। वहीं अगले दिन शाम के 3 बजे ये दिल्ली पहुंच जाएगी। और इसके अलावा सहरसा नई दिल्ली अनारक्षित स्पेशल 24 अप्रैल को सहरसा से सुबह के 7 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 7 बजे दिल्ली पहुंचेगी। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर पुणे स्पेशल का 27 अप्रैल से लेकर 29 जून तक परिचालन किया जाएगा। दानापुर पुणे स्पेशल का 27 अप्रैल और 1 मई को परिचालन होगा। आचार संहिता उल्लंघन मामले में 27 लोगों के खिलाफ FIR हुआ दर्ज। पटना के जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया और इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई का आदेश है और उसके अलावा अवैध नगद कीमती धातु को नियमानुसार जब्त करने का निर्देश है। आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए 32 बॉर्डर चेक पोस्ट का निर्माण हुआ है और इसके अलावा ऐसे मामलों में 27 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार 66 फ्लाइंग स्क्वाड की टीम एक्टिव है और उसके साथ ही 32 स्टैटिक सर्विलेंस टीम, 43 वीडियो सर्विलांस की टीम भी सक्रिय है। लाखों के प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बिहार के गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बगौज के पास कुचायकोट थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक ऑटो से भारी मात्रा में कफ सिरप को बरामद किया है और साथ ही मौके से 2 युवक की गिरफ्तारी की है। इनकी पहचान यूपी के गोरखपुर जिले के और बलिया जिले के निवासी के रूप में की गई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर इनसे पूछताछ के बाद इन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 6,720 प्रतिबंधित कफ सिरप को बरामद किया है। बताया जाता है कि इनकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव का बयान, नेताओं पर भरोसा करना है गलती। भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव आज पटना पहुंचे और इस दौरान इन्होंने कहा है कि बिहार के नेताओं पर भरोसा करना हमारी गलती है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि नेता बनने से कुछ भी नहीं होता है, चुनाव में जीत या हार मायने नहीं रखता है, विकास मायने रखता है। हमने कई लोगों को नेता बनते हुए देखा है लेकिन बिहार को बदलते हुए आज तक नहीं देखा है। खेसारी लाल यादव ने कहा है कि उनका विषय ये है कि बिहार का विकास कैसे होगा, हम लोग मजबूर और परेशान हैं और कोई भी नेता इसके लिए परेशान नहीं है। भोजपुरी अभिनेता ने कहा है कि नेता के बच्चे अच्छे से पढ़ लेते हैं, दिक्कत बिहार के आम लोगों के लिए है। बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। बिहार में कांग्रेस ने अपने हिस्से की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। बिहार कांग्रेस ने इसकी लिस्ट को जारी कर दिया है। वहीं पटना साहिब की सीट पर कांग्रेस ने अभी उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। आपको बता दें कि पटना साहिब में आखिरी चरण में चुनाव होगा। बिहार सरकार में मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस ने समस्तीपुर की लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। पश्चिमी चंपारण से मदन मोहन तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सासाराम से मनोज कुमार भारती और महाराजगंज की लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में हैं। इधर मुजफ्फरपुर से कांग्रेस ने भाजपा को छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले सांसद अजय निषाद को उम्मीदवार घोषित किया है। काराकाट में पवन सिंह के रोड शो में बुलडोजर से बरसे फूल। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह काराकाट की लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है। काराकाट में उन्होंने आज रोड शो किया है और उस दौरान बुलडोजर से उनके ऊपर फूलों की बारिश की गई। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ी शामिल हुई। यहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली है।
लोगों ने जगह जगह पवन सिंह का भव्य स्वागत किया। लोगों के बीच पवन सिंह के साथ सेल्फी लेने की होड़ मच गई। आपको बता दें कि कल पवन सिंह औरंगाबाद में रोड शो करेंगे। मालूम हो कि काराकाट के लोकसभा सीट से एनडीए की ओर से उपेंद्र कुशवाहा चुनावी मैदान में है। वहीं महागठबंधन की ओर से माले ने राजा राम कुशवाहा को टिकट दिया है। माना जा रहा है कि काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता के लिए भागलपुर में किया रोड शो। बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा ने अपने पिता और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी अजीत शर्मा के लिए भागलपुर में रोड शो किया है। नेहा शर्मा अपने पिता के साथ चुनावी प्रचार करते हुए नजर आई। उन्होंने शेरमानी बाजार से लेकर कहलगांव तक रोड शो कर लोगों से वोट अपील की। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग नेहा शर्मा को देखने के लिए पहुंचे थे। इसमें युवाओं की संख्या अधिक रही। भीड़ बढ़ने की वजह से सड़क पर जाम लग गया। रोड शो में महागठबंधन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। मालूम कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी नेहा शर्मा ने रोड शो किया था। बता दें कि भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण के दौरान मतदान होगा। हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस की गलती के बारे में दी जानकारी। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया और इस कारण मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ में पहुंचने की राह मुश्किल नजर आ रही है। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपनी टीम की गलती के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि शुरुआत में ही टीम ने खुद को मुश्किल में फंसा लिया था। इसका ये परिणाम हुआ कि टीम ने 10 से 15 रन कम बनाए। हार्दिक पांड्या ने कहा है कि टीम ने मैदान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं किया है। पावर प्ले में अपनी लाइन लेंथ पर कंट्रोल नहीं रखा। टीम को अपनी गलतियों को सुधारना होगा और इसे दोहराना नहीं होगा। आपके अनुसार इस हार के बाद क्या मुंबई इंडियंस आईपीएल 2024 से बाहर हो जाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश मांझी, राज ठाकुर, जितेंद्र ठाकुर, बाबूलाल मरांडी, अनवर करीम खान, मोहम्मद शकीर हुसैन, सदुल्ला पालवी, राकेश मिश्रा, राजकिशोर महतो, नौशाद राजा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, आपके शहर में गर्मी की फिलहाल क्या स्थिति है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूले। धन्यवाद।